सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के यहाँ पे। सो गाइस जो मेरे पीछे देख रहे हो, अब जा रहा हूँ मैं ऑफिस के अंदर। अभी देखता हूँ कि हमारा इवेंट का जो अभी काम था मतलब स्टार्ट हुआ है कि नहीं, या फिर मैं लेट पहुँचा या फिर काम स्टार्ट हो गया। सो लेट्स अब जाते देखते। हे गाइस वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है वो है चर्चगेट स्टेशन के यहाँ पे। तो हे गाइस व्हाट्सअप गाइस, आज का जो न्यू ब्लॉग वीडियो, तो गाइस आज हमारा जो इवेंट है वो है चर्चगेट स्टेशन के जिस बाजू में है। तो आज जा रहा हूँ मैं, मॉर्निंग का जो इवेंट है वो मेरा आज इवेंट होने का जो टाइमिंग है वो है 11 से लेके समथिंग कुछ रहेगा 3-4 बजे तक। और मैं अब फटाफट रेडी होता हूँ और रेडी होके जाता हूँ सीधा लोकल ट्रेन टू सीधा चर्चगेट स्टेशन, और बीच में आपको काफ़ी सारे व्यूज़ दिखाता हूँ। और तब तो गाइस आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरा अभी गर्म पानी रेडी हो गया है। तो अभी फटाफट गर्म पानी पी के और फटाफट मेरा चाय भी लगा हुआ है, चाय तो यहाँ पे अभी चाय पी के फटाफट यहाँ से भी निकलने वाला हूँ। गाइस पिछले 4-5 दिन से ना मुंबई ना बहुत तेज़ी से बारिश गिर रहा है, और बारिश गिरने की वजह से ना तो मतलब बहुत सारे काम ना छूट जा रहे, बट फिर भी ना मेरा इवेंट तो थोड़ा बहुत चल रहा है, हल्का फुल्का चला, थोड़ा बहुत अर्निंग कर सकता है इसके लिए थोड़ा बहुत चल रहा है। बट 4-5 दिन से ना इतना तेज़ी से बारिश गिर रहा है कि हर जगह मतलब थमसा हो गया। तो कभी का लोकल ट्रेन वगैरह भी मतलब मिलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मतलब बहुत सारे ट्रेन ना कैंसिल हो जाते हैं। और उसके बाद संडे का जो होता है मेगा ब्लॉक, तो उसकी वजह से मतलब सेंट्रल लाइन, हर्बल लाइन, वेस्टर्न लाइन का भी मतलब ट्रेन का मुश्किल हो जाता है मिलना। तो अभी तो फिलहाल तो अभी बारिश शुरू का हुआ है, तो इसी की वजह से मुझे इसका फ़ायदा लेना है, सीधा मुझे जाना है स्टेशन के यहाँ पर। तो गाइज मैं आपको दिखाता हूँ कि मुंबई में किस तरह मतलब बारिश गिर रहा है, फिर लोकल ट्रेन की वजह से मतलब लोकल ट्रेन की कंडीशन क्या है, और कितने सारे पब्लिक है जो अभी ट्रेन में रश रहेगा, क्योंकि अभी मॉर्निंग का समय में काफ़ी लोग अभी उसमें धचाधच भरे रहते हैं, काफ़ी लाइन रहता है। और वहाँ पे तो भाई मतलब आपको क्या बताओ कि अभी ट्रेन में भी मॉर्निंग के समय में ना ट्रेन में मतलब बैठने का सीट बैठने के लिए जगह नहीं होता, क्योंकि इतना मतलब रश हो जाता है कि खड़े खड़े होकर ना हम अभी स्टेशन मतलब खड़े खड़े होकर मतलब अपने डेस्टिनेशन में पहुँचना पड़ता है। इतना काफ़ी रश होता है मुंबई के लोकल में। और खास करके मैं बात करूँ तो मतलब मंडे से लेकर ना फ्राइडे का बहुत बेकार दिन होता है, क्योंकि सुबह का प्रॉब्लम काफ़ी कुछ होता है, फिर उसके बाद जो सैटरडे संडे होता है, दो दिन थोड़ा वीकली ऑफ होता है ऑफिस जो गवर्नमेंट या फिर सेंटर जो गवर्नमेंट जो जॉब करते हैं तो वीकली ऑफ होता है, इसकी वजह से सैटरडे संडे को थोड़ा कम रश रहता है, यानी कि बाकी दिन तो देखा तो पूरा रश होता है। तो अब जाते हैं, निकलते फटाफट, अभी चाय रेडी वगैरह पी के फटाफट निकलता, तो चलिए। यहाँ पे अपना साइकिल को यहाँ पे पार्किंग करता है, और हर महीने में मैं यहाँ पे अपना पास बनाया, तो हर महीने यहाँ पे साइकिल रखता है और पास का पैसा देता है। ये हमारा पार्किंग सेक्शन, वेस्टर्न रेलवे का पार्किंग सेक्शन यही है। और अभी जस्ट मैं यहाँ पे साइकिल को लगा के अभी जा रहा हूँ लोकल ट्रेन पकड़ के, फिर वहाँ से भी इवेंट के लिए जाता, तो चलिए। तो गाइज आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे टू व्हीलर बाइक्स वगैरह या फिर स्कूटी टू व्हीलर यहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हो। और सामने स्टेशन है, और स्टेशन से जाता हूँ सीधा पकड़ के ट्रेन। आप देख रहे हो सामने चर्चगेट स्लो के लिए ट्रेन मतलब आने वाली है, बट इतना यहाँ पे लाइन है। बोला था ना गाइस कि आज बहुत बड़ा लाइन होगा यहाँ पे, और लाइन सीधा यहाँ से लगते हुए बोरुली टू सीधा यहाँ पे लास्ट लाइन लगा हुआ है। अभी शायद से आज ना लोकल ट्रेन स्लो है। सो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका स्टेशन के यहाँ पर। अभी आपको दिखाया गाइस कि यहाँ पर कितना बड़ा लाइन है, और यहाँ पर काफ़ी रश होने वाला है आज लोकल के लिए। तो फटाफट जाए से और पकड़ी से, तो गाइस यहाँ पे लगा हुआ है 9:58 का स्लो है चर्चगेट के लिए, बट काफ़ी यहाँ पे रश है, और मचाई से और जाए से फटाफट। तो गाइस आप देख रहे हो इतना गर्दी है यहाँ पे। You and me, we can run.
सो गाइस अभी 11 बजने को 10 मिनट बाकी है। अभी जस्ट मैं पहुँच गया, अभी फिलहाल तो मैं अभी चंद्रोड़ स्टेशन यहाँ पे पहुँच गया हूँ। अब फिलहाल मैं लोकल ट्रेन के अंदर ही हूँ, बट अभी अभी 2 या 3 मिनट के बाद मैं अभी चर्चगेट स्टेशन यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। और चर्चगेट स्टेशन के जस्ट मेरे स्टेशन के ईस्ट में ही है कैंटीन हाउस डिपार्टमेंट करके, वहाँ पर मेरा आज मॉर्निंग का इवेंट है। 11 बजे पहुँचना, अभी 2-3 मिनट बाद पहुँच जाऊँगा। तो चलिए अभी जाते कैंटीन हाउस डिपार्टमेंट चर्चगेट स्टेशन। तो चलिए गाइस, जैसे कि मैंने कांदिवली स्टेशन के यहाँ से ट्रेन पकड़ा हुआ था, बट कांदिवली जो स्टेशन यहाँ से जो मैंने लोकल ट्रेन पकड़ा था वो स्लो था, बट कांदिवली टू में अंधेरी स्टेशन तक मैं स्लो ट्रेन में आया। फिर उसके बाद अंधेरी स्टेशन टू मैं चर्चगेट के लिए फास्ट ट्रेन पर इसलिए पकड़ा क्योंकि गाइस मुझे थोड़ा लेट हो गया था। और कांदिवली से जो मैंने ट्रेन पकड़ा था उसमें ऑलरेडी इतने सारे पब्लिक थे, आपने देखा था कि यहाँ से बोरीवली का जो होता है ना, जो कांदिवली स्टेशन जो बोरीवली साइड टू चर्चगेट साइड का पूरा वहाँ प्लेटफॉर्म भर गया था, इतनी पब्लिक थे, इतना रश था। और चढ़ने के लिए मतलब जगह भी नहीं था बैठने के, तो भाई आप सोच भी नहीं सकते कि बैठने के लिए जगह मिलेगा, बट वहाँ से चेंज कर लिया। अब मरीना स्टेशन यहाँ पहुँचा, आप सीधा जाते चर्चगेट स्टेशन यहाँ पर। तो चलिए जैसे गाइज आप ये देख रहे हो, ये वानखेड़ा स्टेडियम है जो चर्चगेट स्टेशन के यहाँ से और मरीना स्टेशन से काफ़ी नज़दीक है। आप यहाँ से पैदल भी जा सकते हो, काफ़ी बड़ा ये, और यहाँ पे हर साल आईपीएल का मैच भी इसी स्टेडियम में होता है। तो गाइस अभी देख रहे हो कि ट्रेन पूरी तरह से यहाँ पे खाली हो गया, क्योंकि जैसे कि दादर स्टेशन आ गया था, दादर स्टेशन से जो ये सीएसटी दादर स्टेशन के लिए जो चर्चगेट की जो फास्ट लोकल थी वो दादर स्टेशन से पूरी तरह से खाली हो गई थी। अभी मैं पहुँचा हूँ चर्चगेट स्टेशन के यहाँ पे, आप गाइस देख रहे हैं यहाँ पे पूरी तरह से सीट खाली है। अब मैं पहुँच गया सीधा चर्चगेट स्टेशन के यहाँ पे। सो गाइस मैं फाइनली भी पहुँच चुका हूँ चर्चगेट स्टेशन के यहाँ पे। अब मैं जा रहा हूँ कैंटीन हाउस डिपार्टमेंट करके, वहाँ पे इवेंट है। और सो गाइस आप देख रहे हैं ये रहा चर्चगेट स्टेशन जो आप यहाँ पे पहुँच गया। अब जाते सीधा वहाँ पे तो मचाई से। सो गाइस जो आप देख रहे हो ये रहा चर्चगेट स्टेशन, और चर्चगेट स्टेशन के जस्ट हम अभी आ गए, ईस्ट की तरफ आ गए। और सो गाइस आप जो सामने देख रहे हो ना, उसका नाम है सेंट्रल जीएसटी भवन लिखा है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ सेंट्रल जीएसटी भवन। तो चर्चगेट स्टेशन इसमें ही है और जस्ट जीएसटी भवन के जस्ट बाजू में ही है। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ जीएसटी भवन के नज़ारे। तो दिखाता हूँ, चलिए। ये हो गया सेंट्रल जीएसटी भवन, और जीएसटी जस्ट भवन के बाजू में ही है एसएससी सीमेंट का हाउस, और उसके जस्ट बाजू में है कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट बाजू में है, और उसी को एडल्फी भी कहते हैं। तो यहीं हमें जाना है। और जो ये दिख रहा है आपको, ये वाइट कलर और थोड़ा येलोश रेडिश कलर का जो बिल्डिंग है ये, और यहीं हमारा आज मॉर्निंग का इवेंट है जो मुझे 11 बजे पहुँचना था। और अब जाते हैं यहाँ पे। और सो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर ना भुआर जिसे बोलते हैं कि अंडरग्राउंड रास्ता जो यहाँ से मतलब इसके अंदर से सीधे सीधे जाके अपन चर्चगेट स्टेशन के अंदर जा सकते हैं, उसे हम कहते हैं भुआरगी मार्ग। और यहाँ पे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जितने भी यहाँ पे फोर व्हीलर्स गाड़ी खड़े हैं, तो ये सारे गवर्नमेंट्स की गाड़ी है जो यहाँ पे पार्किंग लगे हुए हैं। तो यहाँ पे सब लिखा हुआ ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब मतलब ऑन ड्यूटी वाले हैं जो गाड़ी यहाँ पे पार्किंग लगा हुआ है। भारत सरकार सेवार्थी लिखा हुआ है समथिंग यहाँ पे। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रोड का नाम ना महर्षि कर्वे मार्ग रोड है ये। सो गाइस
वो हो गया चर्चगेट स्टेशन। आज ये होगा चर्चगेट स्टेशन का सिग्नल। सिग्नल का जस्ट अगर आप इस रोड की मैं बात करूँ, इसका नाम है महर्षि कर्वे रोड और सामने ही है कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट। सो गाइस मेरे पीछे ही है ऐसे से सीमेंट का हाउस है। सो गाइस आप देख रहे हो ये रेड प्लस व्हाइट कलर में ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सीमेंट हाउस करके, ऐसे से करके सीमेंट है। और जस्ट और ये महर्षि कर्वे रोड पे ही है। और जस्ट इसके अगर आप यहाँ की बात करो तो ये महर्षि कर्वे रोड हो गया और जस्ट आगे आप जाओगे तो वहाँ पे जीएसटी भवन है और जीएसटी भवन के जस्ट बाजू में ही है कैंटीन स्टोर करके डिपार्टमेंट और वहीं जाता हूँ और वहीं पर आज मेरा इवेंट है। सो गाइस अब जाता हूँ कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के यहाँ पे। तो चलिए, सो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ महर्षि कर्वे मार्ग करके, ये महर्षि कर्वे मार्ग लिखा हुआ है। तो चलिए अभी जाते हैं यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है MCGM लिखा हुआ महर्षि कर्वे मार्ग। सो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट सशस्त्र सेवा सेवार्थ करके यहाँ पे। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के यहाँ पे। सो गाइस जो मेरे पीछे देख रहे हो, अब जा रहा हूँ मैं ऑफिस के अंदर। अभी देखता हूँ कि हमारा इवेंट का जो अभी काम था मतलब स्टार्ट हुआ है कि नहीं, या फिर मैं लेट पहुँचा या फिर काम स्टार्ट हो गया। सो लेट्स अब जाते देखते। सो गाइस यहाँ पे एड्रेस लिखा भी है CSG एडल्फी 119 एम मार्ग मुंबई 20 लिखा हुआ। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो डेली का जो रूटीन है ना गाइस, कि ये है कि मैं ना मुंबई में रहता हूँ और मुंबई के इवेंट्स से करता हूँ, क्योंकि जिस तरह लोग जॉब करते हैं ठीक उसी तरह मेरा इवेंट्स से मेरा जॉब है। तो गाइस जो डेली बेसिस जो इवेंट करता हूँ, इवेंट्स के वीडियो भी गाइस अभी मतलब आते रहेंगे, क्योंकि गाइस कि अभी मेरे मतलब अभी फिलहाल तो अभी बारिश का मौसम है और बारिश का मौसम में ना वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मज़ा आता है और मैं डेली इवेंट करता हूँ। तो गाइस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपने लाइफ में दिन भर मतलब क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ काम पे और क्या करता हूँ क्या नहीं, वो सारे डिटेल्स गाइस मैं अपने यूट्यूब में डालते रहूँगा वीडियो। तो गाइस अभी मेरे पास तो कुछ ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है कि मैं मुंबई का इवेंट करता हूँ, इवेंट करता हूँ और इवेंट के सारे वीडियोस आपको मैं दिखा दूँगा कि कैसे क्या करता हूँ बोल के। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट में आज आए ना गाइस, ये जो ऑफिस है ना, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है। और यहाँ पे क्या होता है, जो इंडियन जो मिलिट्री होते हैं ना, उनके लिए मतलब खाने से लेके उनके मतलब A to Z जो सर्विस होता है ना, यहाँ से उनको प्रोवाइड किया जाता है। खाने से लेके उनका मतलब जो मतलब जैसे कि मैंने अंदर जो गार्ड थे उनसे मैंने बात किया था, उन्होंने बोला कि इंडियन जो मिलिट्री होते हैं उनके मतलब A to Z सब कुछ सर्विस यहाँ से किया जाता है। और खाने पीने का मतलब जो फूड वगैरह होता है या फिर जो कॉकटेल्स मॉकटेल्स जो भी होते हैं, यहाँ से उनको यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। और गाइस मुझे ना अंदर जाने के लिए मतलब अंदर जाके ना वीडियो शूट करना या फिर फोटो खींचना मना था, क्योंकि जो हमारे वहाँ के जो दादा थे जो गार्ड के मतलब जो गार्ड थे वहाँ के,
उन्होंने मुझे मना कर दिया क्योंकि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है यहाँ पे हर जगह कैमरा लगा हुआ है, इसी वजह से आप यहाँ पे कोई वीडियो शूट नहीं कर सकते हो, नहीं तो उनका मतलब जॉब का थोड़ा डेंजरस हो सकता है। तो इस वजह से गाइज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इंडियन मिलिट्री है और ये उसके रिलेटेड में मतलब ये ऑफिस है। और गाइज अभी मैं थोड़े टाइम के बाद मैं अंदर जाऊँगा, अंदर जाने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा किस तरह मैं काम करता हूँ। गाइज मैं कोई बड़ा काम नहीं करता, मैं बहुत ही नॉर्मली काम करता हूँ और ये काम मतलब कोई ज़्यादा एजुकेशन वाला भी कोई काम नहीं है, बहुत इजी काम है। और गाइज अभी क्या करें, कोई जॉब नहीं है, फलांडी का ना कुछ नहीं, तो इसी से मैं सब कुछ मांग के चलता हूँ। सो गाइस फाइनली अभी 2 घंटे का हमारा इवेंट यहाँ पे ख़त्म हो गया, बट आप देख रहे थे कि जैसे कि यहाँ पे काउंटर स्टार्ट हुआ था, लोग खाने के लिए स्टार्ट हो गए थे, बट लोगों ने काफ़ी कुछ खाया और काफ़ी कुछ उन्होंने मज़ा किया। आज जो हमारा मेन्यू था वो था, सबसे पहले तो वो था पनीर मखनी था, पनीर मखनी और इंडियन ब्रेड में चपाती था, राइस था, दाल था, और नॉनवेज में जो था वो था चिकन कढ़ाई था। सो गाइस आप देख रहे यहाँ पे ये रहा काउंटर, अभी काउंटर फिलहाल तो अभी क्लोज हो गया है था, अभी मेरा पैकअप हो गया है, अभी यूनिफॉर्म को अच्छे से रख के मैं अपने ब्रदर को दूंगा और वहाँ से फिर फाइनली मेरा इवेंट यहाँ पे ख़त्म हो चुका। अब मैं सामने रखा हुआ आमरस है, आमरस का भी फिलहाल तो 4 वाट यहाँ पे बज गया और यहाँ पे जो बचा हुआ वो है चिकन कढ़ाई। अब फिलहाल तो मेरा दोस्त अभी आ रहा है पाव लेके, अब वेट करते और आज इतना हमारा मेन्यू बचा हुआ है तो बाद में खाते। सो गाइस फिलहाल तो अभी पूरी तरह से हॉल खाली होगा क्योंकि आज जो भी गेस्ट आए थे उन्होंने अपना लंच तो कर लिया, लंच करने के बाद उनका यहाँ मतलब यहाँ से वो चले गए, उसके बाद हमारा अभी वाइंड अप करने का यहाँ पे टाइम आ चुका है। बट फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे वाइंड अप कर चुके हैं, अभी वाइंड अप करने के बाद अभी हमने खाना नहीं खाया, अभी खाना खाने हम लोग 4-5 लोग बचे हुए हैं। अभी दोस्त गया पाव लेके लिए क्योंकि आज का जो हमारा मेन्यू था खाना पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, हमारे लिए कुछ बचा नहीं था, बट अभी कुछ पनीर का सालन मतलब पनीर टिक्का मसाला का सालन या फिर चिकन का सालन बचा हुआ है, वो अभी मैं खाने वाला हूँ बाद में। तो मेरा भी फ्रेंड गया पाव लेने, तो अभी मेरे पास अभी आमरस है, तो ये रहा आमरस। सो ट्राई करते हैं आमरस, मज़ा आ गया आमरस खा के क्योंकि बारिश का मौसम है, इससे पहले भी गर्मी के मौसम में काफ़ी इवेंट्स में काफ़ी हमने आमरस खाया हुआ था, बट अभी अभी भी मैं खा रहा हूँ तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, इसी तरह अगर ब्लॉग वीडियो आपको देखना है मुंबई वीड्स के बारे में तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस करना, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो के साथ, देखना रहा सकते ना ब्लॉग। तो चलिए जय हिंद जय भारत।